नमस्कार आदरणीय हमारे दिल्ली सेक्टर्स के जितने भी मार्गिस दादा दीदी हैं, समस्त मेरा निवेदन है कि दिल्ली सेक्टर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे सेक्टर में डायसिस वाइज जो उनका हिस्मुक डिपार्टमेंट की ओर से सेमिनार हो रहा है, आपके क्षेत्र में जहाँ भी सेमिनार हो रहा है उसमें आप अवश्य ही सेमिनार अटेंड करें, क्योंकि सेमिनार जो है वो हम लोगों के साधक के लिए एक षोडश विधि का एक अंग है। सेमिनार में बाबा के जो दर्शन हैं सामाजिक आर्थिक और अर्थनैतिक जो दर्शन है, इस दर्शन पर विशेष रूप से जो प्रशिक्षक होते हैं चर्चा करते हैं, दर्शन को बहुत ही सरल ढंग से समझाया जाता है और साथ ही साथ सेमिनार की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सभी जब मीटिंग को फॉलो करते हैं उसमें कीर्तन भजन और उसमें आध्यात्मिक लाभ होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जहाँ भी सेमिनार आपके एरिया में जिस डेट में हो रहा है और समय पे पहुँचें, तो सेमिनार का रिचिंग डेट है उस रिचिंग डेट में पहुँचें ताकि आप तीनों दिन तक सेमिनार से लाभान्वित हो सके। मेरा यही आप समझ निवेदन है। धन्यवाद, नमस्कार। इस पर भी तुम्हारी दृष्टि है कि मैं क्या करता हूँ, तो ये जो भावना है ये वेद का श्लोक लिया गया है जिसको हम समझते हैं अपने मानसिक भाव में, इसको जब चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं तो देखने में यही लगता है कि ये जो सृष्टि जगत है परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है। एको अहम बहुश्यामि, परमात्मा एक थे और उनके मन में इच्छा हुई कि हमको अनेक होना है, तो उन्हीं की अभिव्यक्ति है ये जो प्रतिसंचर जो धारा हम देख रहे हैं, ये सृष्टि है ना, ये उन्हीं की अभिव्यक्ति है। इसीलिए हमारा गुरु मंत्र का जो स्पिरिट है एक ही है, क्या है कि संसार के प्रत्येक वस्तु में तुम अपने गुरु से ही देखो, गुरु की ही छवि और दूसरा कुछ नहीं। ये सब आने के लिए जीव भाव को ब्रह्म भाव में मिलने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए बाबा एक शब्द बता रहे हैं, वो है शरणागति। शरणागति का मतलब 16 समर्पण, एक आना नहीं, 8 आना नहीं, 12 आना भी नहीं, 15 आना भी नहीं, 16
जो एक दूसरे के शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों को लेकर के चलने की बात करता है एक दूसरे हाउस इज बिकम ए गोल्डन होम। उस घर को बाबा कहते हैं कि वह वही स्वर्ण का घर है वही सुनहरा घर है जहां सबकी अलग अलग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जो खाली देखते हैं कुछ करते नहीं है कि नहीं, ये कौन हुआ भूमा का बात हो रहा है कि नहीं। तो जो उसके बाद सगुण ब्रह्म जो शिष्ट चक्र में निर्गुण से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सत्व रज तम गुण का डेवलप होता है तो परमात्मा का एक हिस्सा जो क्रियाशील हो जाते हैं तो प्रकृति उसको नाम दिया जाता है। और ये परमात्मा जब कार्य शुरू कर देते हैं है तो पुरुष और प्रकृति 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 नमस्कार, मैं प्रखर देव वाराणसी से हूँ। मैं यहाँ पर इलाहाबाद में प्रयागराज जिसे कहा जाता है प्रयागराज में त्रिदिवसीय सेमिनार था उसमें आया था और सेमिनार का विषय था शिव की शिक्षा अणुमन और घुमामन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुनर्जागरण। उसको हमारे ट्रेनर दादा आचार्य विमलानंद अवधूत जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिया और यहाँ पे करीब 5 से 6 जिले के सैकड़ों मार्गी आए थे और जिसमें द्वितीय दिवस के संध्याकालीन रावा का कल्चर प्रोग्राम में हुआ। क्लासेस बहुत ही अच्छे रहे। दादा ने अपने पूरे अनुभव को जो उन्होंने बाबा के साथ घर के बिताया वो भी साझा किया। क्लासेस बहुत अच्छी थी। धन्यवाद। जो सेमिनार की व्यवस्था है इसके माध्यम से जो साधक साधिकाओं में शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास तीव्रता से होना शुरू होता है इसमें शारीरिक प्रगति के लिए योगा कराया जाता है मानसिक प्रगति के लिए साधना कराई जाती है ध्यान कराया जाता है और आध्यात्मिक प्रगति के लिए आध्यात्मिकता जो ट्रेनर लोग प्रशिक्षित लोग आते हैं
वो आध्यात्मिकता को से जागृत करने के लिए आध्यात्मिक प्रवचन देते हैं। बाबा का जो स्वास्थ्य संग्रह आरुण वचनामृतम या हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनके माध्यम से इस सेमिनार में विषय चयनित कहते हैं और उन बाबा के कथन दिए विषय के अनुसार ही यहाँ पर सेमिनार विषय को बताया जाता है और विषयों में जो है प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी चर्चा की जाती है किस प्रकार से ये सेमिनार किया जाता है। सेमिनार में जो लोग आते हैं उनको हर प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति होती है क्योंकि इसमें तीनों प्रकार की शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक प्रगति इसलिए सेमिनार का हर व्यक्ति को उन्हें उपस्थित होना आवश्यक है सेमिनार में। नमस्कार, आज हम लोग यहाँ पे आनंद मार्ग दिवसीय योग सेमिनार में एकत्रित हुए हैं और हमारे जो ट्रेनर हैं आचार्य मंत्र चतुर्देश अवधूत जिन्होंने हमें शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विषयों पे बताया गया है। कल का टॉपिक बहुत बढ़िया था जिससे हमें जो है जो हम नहीं जान पाए थे वो सारी जानकारी हमें मिली है कराएंगे और हम जो है हमें सभी को बहुत खुशी है आनंद है कि दादाजी हमारे बीच में आए और हमें जो है जो हमें जानकारी नहीं थी वो सब दादाजी ने हमें उस चीज़ों से अवगत कराया। उसके लिए दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो जो है अपना बहुमूल्य समय लेकर हमें दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आनंद नगर में भोपाल में तीन दिन का सेमिनार अटेंड किया हम लोगों ने, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का रूटीन भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब मतलब फॉलो कराते हैं रूटीन, हमने भी फॉलो करने की कोशिश करी है, आप भी करिए। आई थिंक जो सेमिनार्स होते हैं उनमें जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो हम लोग के लिए हमारे बेनिफिट के लिए जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है। आई थिंक सेमिनार्स अटेंड करते हैं हमें बहुत कुछ सीखा जिससे सेमिनार्स में जो तीन दिन की क्लासेस लगी है बहुत कुछ सीखने को मिला है।